गुड इवनिंग गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? प्लीज़ लेट मी नो. आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही है. हेलो, ऋषभ चैटर्जी, आवाज आ रही है या नहीं? प्लीज लेट मी नो. ओके, आई थिंक अब आवाज़ आ रही है आप सबको. ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास. टुडे आई विल लाइक टू आस्क यू इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन द लास्ट क्वेश्चन. इन लास्ट क्लास पीपल वर हैविंग डाउट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 16, एज फार एज आई रिमेम्बर. ओके, थैंक यू साहिल. इट इज़ ऑडिबल. ऋषभ चैटर्जी, आई वेलकम यू ऑल. ओके, गुड इवनिंग एवरी वन. ओके, लेट मी नो कि अगर आपको कल वाला क्वेश्चन, ये वाला 16 डिस्कस करना है मेरे साथ या नहीं, और शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास. ओके, जितेश इज सेइंग 16 एंड 21. ओके ओके, लेट मी डिस्कस दिस विद यू. 16, क्वेश्चन नंबर 16. ओके, ओके, इन येस्टरडेज क्लास यू गाइज वर आई वॉज फॉर दिस फॉर ऑप्शन बी एंड यू गाइज वर गिविंग ऑप्शन सी एज योर आंसर. सो आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ. येस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर एज ऑल ऑफ यू, ऑल मेजोरिटी ऑफ यू गाइज वर सेइंग, बिकॉज आई हैव सेड इट नाउ. बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द एनोलॉजी बिटवीन 1 एंड 3, बट बाय सेइंग 1 एंड 2 एनोलॉजी इज क्लियर. सो वी कैन डू एनोलॉजी बिटवीन 1 एंड 2, एंड बाय 1 एंड 2 आंसर इज सी, एंड दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, सो आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू. 1 एंड 2 में क्या हो रहा है? वी आर डिस्कसिंग एनोलॉजी बिटवीन पिक्चर नंबर 1 एंड 2. ओके, सो 1 एंड 2 में क्या हो रहा है? जो ये ट्रेपीजियम है यहाँ पे, दिस ट्रेपीजियम हैज बीन इन्वर्टेड एंड शिफ्टेड टू द मिडल. ठीक है, यह क्या हुआ है? ट्रेपीजियम यहाँ से पहले तो इन्वर्ट हुआ है यहाँ पे आके और मिडिल में शिफ्ट हो गया है. तो सिमिलरली हम यहाँ से इस ट्रेपीजियम को इन्वर्ट करेंगे और मिडिल में शिफ्ट करेंगे. तो जब इसको मिडिल में शिफ्ट करेंगे और इन्वर्ट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, विच इज एन ऑप्शन दिस बी एंड सी एंड ई. तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ है? जो आपकी डॉटेड एरो है, इट इज बिंग रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ओके, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे इसको रोटेट किया है. देन वी हैव शिफ्टेड दिस टू द बॉटम. सिमिलरली इन दिस एरो वी विल डू द सेम, वी विल रोटेट इट टू द 90 डिग्री. 90 डिग्री जब इसको रोटेट करेंगे इट विल पॉइंट टू द वेस्ट, एंड वी विल शिफ्ट इट टू द बॉटम. तो सो बॉटम में शिफ्ट करेंगे और 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. ओके, विच इज 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, राइट? या 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज.
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या इट विल लुक लाइक दिस। नो, इट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया है हमने। तो इसको जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो इट विल लुक लाइक दिस, कि यहाँ से ऐसे इट विल लुक लाइक दिस, विच इज एन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड दिस पिक्चर, दिस थर्ड स्ट्रक्चर इज बीइंग रोटेटेड 135 डिग्री। 135 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में हुआ है देखते हैं। 90 एंड 45, या एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो सिमिलरली इसको हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यहाँ से कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, विच इज पॉइंटिंग आउट इन ऑप्शन सी। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई वॉज रॉन्ग येस्टरडे, बट ऑप्शन सी, ऑल द पीपल्स हु गेव आंसर ऑप्शन सी, कुडोज टू यू गाइज, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ओके, घनश्याम भीमल, जय हिंद मैम, जय हिंद घनश्याम, वेलकम टू माई क्लास। ओके, so you people got this answer? Okay, so option C is correct. So I think this was your doubt, and Jitesh is saying question number 21. Okay, 21, let me discuss. Okay, this was your 21. 21 में क्या हो रहा था, दिस पिक्चर, अगर मैं इसको, मैंने कल जो किया था वो मैंने 1 एंड 3 के बीच में एनालॉजी डिस्कस की थी, तो पहले मैं उसी तरीके से करती हूँ। अगर फिर मैं 1 एंड 2 के बीच में करूँगी, अगर डिफरेंट आंसर आता है, देन आई विल सी। ओके, सो इसमें क्या हुआ था कि ये जो ई काइंड ऑफ जो भी ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या किया है, इसको पहले तो यहाँ से 1 एंड 3 में क्या है, इसको जस्ट इन्वर्ट कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया है दूसरी साइड में। तो सिमिलरली मैं क्या करूँगी, इस एरो को भी फ्लिप कर दूंगी दूसरी साइड में। जब इसको फ्लिप करूंगी दूसरी साइड पे, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ये किस किस ऑप्शन में है, आपका ए में है, और ये आपका ई, डी और ई में है, यानी कि आपका बी और सी में नहीं है। तो आपका ए, डी एंड ई आर दी प्रोबेबल आंसर्स। ओके जितेश, कुडोज टू यू, यू आंसर्ड इट सी। एंड देन दिस एरो इज वॉट हैड बिन डन टू दिस, कि इसको आपने बॉटम में शिफ्ट किया और इसको जस्ट फ्लिप कर दिया। तो सिमिलरली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको बॉटम में शिफ्ट करूँगी और इसको फ्लिप कर दूंगी। तो जब मैं इसको बॉटम में शिफ्ट करूँगी और फ्लिप करूँगी, तो इट विल लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये किस में है आपकी, जब इसको यहाँ पे बॉटम में शिफ्ट करूँगी और फ्लिप करूँगी, तो इट इज इन दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, any doubts? Okay, option number D is correct answer. So I hope this is clear now. So should we move to the today's class? Okay, welcome, good evening everyone, I welcome you all. This is Kajal Yadav and I will be taking your reasoning classes. I have wide experience in FCAT and my highest score was 235, okay? Okay, so my highest score was 235 out of 300 and I have cleared different exams like CDS, CAPF, AFCAT, SSC CPO, like this, okay? So I have an experience about these exams, so I will be taking your reasoning class. Jagruti Yadav is saying, ma'am, 1 and 3 are similar in this question, right? See, I have flipped the presentation. Abhi maine dusri start kar di hai, but whatever answer I was giving, I think option D is correct. Okay, you can check. You can take the screenshot because it is not possible for me to do that now. So, in today's class, we will be dealing with verbal analogy. Verbal analogy means रिलेटेड टू वर्ड्स, जिसमें आप वर्ड्स को देख के कुछ एनालॉजी का पैटर्न डिस्कस करोगे। क्योंकि लास्ट क्लास में क्या करे थे हम, इमेज में, इमेज को देख के, उसमें रोटेशंस को देख के, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट आवर लॉजिक। बट इन टुडेज क्लास देयर विल बी सम लॉजिक इन फर्स्ट टू वर्ड्स एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट सिमिलर लॉजिक इन नेक्स्ट टू पिक्चर्स।
next to words. Okay, so let's start. For example, this is your first question. In this, Rontgen is related to X-rays. In the same way, Becquerel is related to what? Rontgen जो थे वो साइंटिस्ट थे who discovered X-rays. Okay, तो Rontgen क्या है जिन्होंने डिस्कवरी की थी X-rays की. तो सिमिलरली Becquerel ने कौन से चीज को डिस्कवर किया था? Becquerel discovered what? Uranium, radioactivity, fission or superconductivity. So I am waiting for your answers. Give me answers first. Okay, Deepu Singh has given answer B. B is for radioactivity. Okay. Rohit Yadav B. Okay. Jitesh B. Okay, everyone is for B. Answer option B is your correct answer. Henri Becquerel. Was a scientist who discovered radioactivity. Similarly, Madame Pyrie and Curie, ये दोनों husband wife थे who discovered radium. Okay, don't get confused between radium and radioactivity. Radium was discovered by Madame Pyrie and Curie, and Henri Becquerel discovered radioactivity. Both are different phenomena and different scientists. Okay, Madame Pyrie and Curie got Nobel Prize for this discovery. Okay. उनको नोबेल भी मिला था. सो येस योर आंसर इज करेक्ट ऑप्शन बी. जागृति यादव रेडियो एक्टिविटी. येस यू आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉ इज रिलेटेड टू कैट. सिमिलरली हूफ इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर बी. आशीष तिवारी 142 ऑप्शन बी. ओके करेक्ट. Guys, I'm waiting. Answer fast. Okay, Ashish Tiwari, Deepu Singh, option D, horse. Okay. Rohit Yadav, D. Jagriti Yadav, horse. Okay. Jitesh Horse, okay. Yes, all of you guys are correct. Paw is the footprint. Okay. Footprint of cat is called paw. Okay. Similarly, hoof is the footprint of horse. Jo horse ke jo aapke footprints hote hain, that are called hoof. And cat ke jo footprints hote hain, that are called paw. So that is the paw is related to cat. Similarly, hoof is related to horse. So everyone, congratulations. This was correct answer. Yeah, Rishav Chatterjee was also correct. Option D. Jitesh Khur, hoof. Okay.
ऋषभ चैटर्जी हैज आंसर्ड ऑप्शन सी, आशीष तिवारी ऑप्शन सी, साहिल शर्मा ऑप्शन सी, ओके दिस इज अ, या दीपू सिंह ऑप्शन सी। ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज द तो पर्सन हु स्टडीज बर्ड, जो साइंटिस्ट होते हैं जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओके, सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट आर विच साइंटिस्ट विच स्टडी आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज रिलेटेड टू बेसिकली फॉसिल्स और जो भी पुरानी चीज़ों की जो स्टडीज होती है फॉसिल्स वगैरह की, दैट दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। सो द ऑर्निथोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू बर्ड एंड आर्कियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट सैम एम, जय हिंद मैम, जय हिंद सैम। रिवान देवराज, जय हिंद मैम, ग्लेशियर से आर्मी मैन। ओके, आर यू इन रिवान, आर यू इन आर्मी? सत्यम इज आंसरिंग ऑप्शन बी। ओके, जितेश रशिया, गौरी शर्मा, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून गौरी, जागृति यादव रशिया, साहिल सी ऑप्शन, रोहित यादव ऑप्शन बी, ओके आशीष तिवारी ऑप्शन सी, ओके दीपू सिंह ऑप्शन सी, ओके। सो पीकॉक इज रिलेटेड टू इंडिया इन विच वे? इट इज द नेशनल नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ओके, और नेशनल बर्ड, ठीक है। तो सिमिलरली बियर कहाँ का नेशनल एनिमल है? रशिया का। ओके, सो रशिया का जो नेशनल एनिमल है दैट इज बियर, एंड ऑस्ट्रेलिया का है कैंगरू। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोहित यादव, सॉरी सी। ओके, आशीष तिवारी, ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? नो, सम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम आर फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज नाउ वेरी रेयर चांसेस दैट एनी क्वेश्चन विल गेट रिपीटेड, सो आई हैव इंक्लूडेड न्यू क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। बिकॉज पहले जब ऑफलाइन होता था एफ कैट, देन देर वर तब होता था कि क्वेश्चन गेट रिपीटेड, बट नाउ दे विल नॉट गेट रिपीटेड बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन मोड में आने के बाद रिपीट नहीं होते हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट्स दे होवर आस्किंग फॉर पीडीएफ्स फॉर प्रीवियस क्लासेस, उनको पीडीएफ्स मिल मिल जाएंगे, मे जाएंगे बी द टीम विल अपलोड इट इन द द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ और समवेयर एल्स, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, आप पीडीएफ्स की इसके बात बाद हो चुकी है, यू विल गेट द पीडीएफ्स ऑफ रीजनिंग क्लासेस। ओके, ओके, पीपल आर आस्किंग, साहिल साहिल शर्मा शर्मा इज इज आस्किंग आस्किंग अबाउट अबाउट इंग्लैंड बर्ड एंड ऑल्सो अमेरिका, दैट यू दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड इट आउट कि इन दोनों का क्या है, अमेरिका का नेशनल बर्ड और एनिमल क्या है और इंग्लैंड का क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव आंसर मी। मैम, ओके, आई विल बी लाउडर लाउडर नाउ। ओके, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस देन आई विल बी लाउडर।
ऋषभ चैटर्जी ऑप्शन डी. ओके क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी. ओके आशीष तिवारी 142 ऑप्शन डी. ओके रोहित यादव ऑप्शन डी. साहिल शर्मा डी स्टैच्यू. जितेश ऑप्शन डी. ओके ओके एवरीवन इज फॉर ऑप्शन डी. यस ऑप्शन डी इज करेक्ट. आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर कंस्ट्रक्ट स्टैच्यू. जो स्कल्पचर होते हैं वो स्टैच्यूज बनाते हैं और जो आर्किटेक्ट होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं. सो स्टैच्यू इज द करेक्ट आंसर. जागृति यादव यादव ऑप्शन डी. या करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सोनल मारवा ऑप्शन डी. आदर्श गुप्ता ऑप्शन डी स्टैच्यू. जितेश ऑप्शन डी. ओके सैम दैट्स फाइन मैम. ओके ओके सैम इज आंसरिंग 5th का डी. या दैट वाज करेक्ट. सत्यम ऑप्शन ए. आई थिंक दैट इज फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6 राइट. जितेश ऑप्शन ए. रोहित यादव ऑप्शन ए. जितेश 6th का ए. ओके जागृति यादव ऑप्शन ए. साहिल शर्मा 1. ओके ऑप्शन 1 दैट मीन. ओके यस दिस इज करेक्ट. आई रिलेटेड टू मायोपिया. जो आई की जो डिजीज होती है जब आपको विजन में कोई प्रॉब्लम होती है दैट इज मायोपिया बायोपिया प्रेस बायोपिया. ठीक है तो ये सारे होते हैं. बट सिमिलरली जो टीथ की डिजीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग पायरिया. व्हेन योर गम स्टार्ट ब्लीडिंग दैट इज पायरिया. सो मायोपिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू आइज एंड टीथ. जो पायरिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू योर टीथ. ओके सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट. साहिल शर्मा ए पायरिया. या करेक्ट. आदर्श गुप्ता ऑप्शन ए. आई थिंक दैट वाज फॉर योर लास्ट क्वेश्चन. या करेक्ट. अंकित यादव ए. जागृति यादव ऑप्शन डी. ओके ऋषभ चैटर्जी ऑप्शन डी. सत्यम ऑप्शन डी. रोहित यादव ऑप्शन डी. जितेश 7th का डी. साहिल शर्मा ऑप्शन डी. अंकित यादव ऑप्शन डी. ओके या ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. चेयरमैन इज द पर्सन हु हेड्स द कॉन्फ्रेंस. जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी कॉन्फ्रेंस में दैट पर्सन इज कॉल्ड चेयरमैन. जैसे कि आपके नीति आयोग है जो हमारा उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी या फिर उसके चेयरमैन कौन है. योर प्राइम मिनिस्टर. ओके दैट इज योर पीएम. तो नीति आयोग को कौन हेड करते हैं. पीएम. वो क्या है उसके चेयरमैन. तो किसी भी कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन होते हैं जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होती है चेयरमैन. सिमिलरली न्यूज़पेपर में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है. एडिटर. जो कि एडिट करता है न्यूज़पेपर का वो ही सबसे मतलब हाईएस्ट पोजीशन होती है किसी भी प्रिंटिंग फर्म में. सो एडिटर इज योर करेक्ट आंसर. या 7th का डी. आदर्श गुप्ता एडिटर. प्रशांत झा मैम आप तो डिफेंस मेनिया पे थे ना. यस प्रशांत आई वाज ऑन डिफेंस मेनिया.
जागृति यादव, कंजर्व. आई थिंक दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. ऋषभ चैटर्जी ऑप्शन ऑप्शन सी. ओके. जितेश सी. ऋषभ चैटर्जी 8th का सी. ओके. साहिल शर्मा सी. सत्यम सी. यस, ऑप्शन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. प्रोटेक्ट का होगा होगा गार्ड, गार्ड, बिकॉज सेफ, जब आप आप किसी किसी चीज करेक्ट. को सेफ करते हो, दैट मींस यू सिक्योर इट. दे आर सिनोनिम्स बेसिकली. एक तरह से ये सिनोनिम्स हो जाते हैं, बिकॉज सेफ इज सिमिलर सिमिलर टू टू सिक्योर, सिक्योर. सो प्रोटेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स यू आर गार्डिंग गार्डिंग सम कंजर्व समथिंग. यू आर, इफ यू आर प्रोटेक्टिंग समथिंग, यू आर गार्डिंग समथिंग. कंजर्व तो तो होता होता है है किसी चीज को बचा बाकी के रखना रखना फॉर फ्यूचर जनरेशन और समथिंग. इट इज नॉट, कंजर्व इज इज समथिंग समथिंग इन लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म, समथिंग डिफरेंट. डिफरेंट. सो जागृति जागृति यादव, कंजर्व इज इज रॉन्ग रॉन्ग. आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स गार्ड. या सैम एम ऑप्शन सी. अंकित यादव यादव ऑप्शन ऑप्शन सी. सी, जितेश सी. आदर्श आदर्श. गुप्ता गार्ड. या गार्ड इज करेक्ट. सोनल मारवा ऑप्शन सी. प्रणव डोंगरे ऑप्शन सी. या करेक्ट. नाउ डू दिस 9th नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9. ओके. प्रणव डोंगरे ऑप्शन ए. साहिल शर्मा 9th का ए. आदर्श गुप्ता 9th का ए. अंकित यादव ए. यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट करेक्ट आंसर. व्हाट इज द लॉजिक? जो ये मास्टर वर्ड लिखा है इसमें क्या है, एक एक लेटर को चेक करो. एम के बाद एक छोड़ के नेक्स्ट. एम के बाद क्या आता है? एन ओ. तो प्लस प्लस टू, टू, मतलब एम प्लस प्लस टू टू हो रहा है. सब में में क्या क्या हो हो रहा रहा है? है? प्लस टू. तो एक ए में प्लस टू करोगे तो क्या आएगा आपका? सी. एस में प्लस टू यू. टी में प्लस टू वी. ई में प्लस टू जी. एंड आर में प्लस टू टी. सिमिलरली यू विल डू प्लस टू हेयर हेयर ऑल्सो. ऑल्सो. ओके. तो एल प्लस टू. एल के बाद क्या आता है? कहता एम, फिर एन. तो एन आएगा. देन ए प्लस टू सी. बी प्लस प्लस टू टू, डी. सिमिलरली और एन सी डी. यहीं यहीं से से आपका आपका ऑप्शन जो ऑप्शन. है अलग हो गया. तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके. यस, यस, अक्षय कुमार ऑप्शन ऑप्शन ए. ए. जितेश जितेश 9th का ए. सत्यम सत्यम ए. ए. यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. सैम एम ए. या करेक्ट. ऋषभ चैटर्जी 10th का ए. यस, यू आर करेक्ट ऋषभ. ऋषभ चैटर्जी 11th का ए. ओके. जितेश आइस ऑप्शन ए. सोनल मारवा ऑप्शन ए. विनीत वाडी ऑप्शन सी. सैम एम ऑप्शन सी. प्रणव डोंगरे ऑप्शन सी. ओके. जितेश सॉलिड. सत्यम ऑप्शन सी. जितेश सॉलिड. ओके, वी आर गेटिंग टू आंसर्स, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बिकॉज आइस गेट फ्रीज, बट इट इज नॉट ऑप्शन. जो यहाँ पे मेल्ट जब कर रहे हैं तो लिक्विड मेल्ट होता है. नॉट, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट जूस. फॉर एग्जाम्पल, अगर जूस बोलता तो मेल्ट, ठीक है, तो हम बोलते हैं आइस फ्रीज हो जाती है. बट इट इज टॉकिंग अबाउट लिक्विड, तो वी विल टॉक अबाउट सॉलिड. सॉलिड गेट फ्रीज. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.
Answer me for that. Question number 12. केशव चैटर्जी 12th का सी, अक्षय कुमार ऑप्शन डी, जितेश डी, सैम मैडम इज दिस क्लास विल बी हेल्पफुल फॉर माय सीएपीएफ प्रिपरेशन. सीएपीएफ या ऑब्वियसली रीजनिंग कम्स इन सीएपीएफ, बट आई थिंक सीएपीएफ में एनोलॉजी नहीं होती है, बट अदर पार्ट्स ऑफ रीजनिंग कम डू कम इन सीएपीएफ. सत्यम ऑप्शन डी, जितेश 12th का डी, अंकित यादव ऑप्शन डी, प्रणव डोंगरे पी, व्हाट इज पी, सोनल मारवा डी, प्रणव डोंगरे डी, जोनी जॉनी ब्लेज डी, विनीत वाड़ी डी, सेम ऑप्शन डी. यस ऑप्शन डी इज करेक्ट. सी स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू कॉलेज. कॉलेज में वैसे तो टीचर्स भी होते हैं, अदर स्टाफ भी होता है, बट कॉलेज की जो एग्जिस्टेंस है वो किस चीज़ से होती है? स्टूडेंट से. अगर आप एक एक इंस्टीट्यूशन बनाते हो जिसमें टीचर्स हैं, आपके पास स्टाफ है, प्रिंसिपल है, सब कुछ है, बिल्डिंग है, बेंचेस हैं, बट अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो क्या उसको आप कॉलेज बोलोगे? नहीं. स्टूडेंट्स इज द मेन, आई थिंक मेन इंग्रेडिएंट जो भी है कि कॉलेज का. सिमिलरली हॉस्पिटल में आपके पास डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, लेकिन विदाउट पेशेंट्स इज इट अ पॉसिबल टू कॉल अ बिल्डिंग हॉस्पिटल जब तक उसमें पेशेंट ना हो? सो पेशेंट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि दिस इज द कोर थिंग ऑफ हॉस्पिटल. पेशेंट के से ही हॉस्पिटल होता है, स्टूडेंट से ही कॉलेज होता है. बाकी अगर सारे के सारे अगर और जो भी उसमें डॉक्टर्स नर्सेज को रख लो, लेकिन अगर पेशेंट नहीं है तो वी कैन नॉट कॉल इट अ हॉस्पिटल. ओके नाउ नेक्स्ट. सैम मैम थैंक यू मैम, थैंक यू, इट्स ओके सैम. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. अक्षय कुमार ऑप्शन सी. ओके जितेश नॉर्थ ईस्ट. सोनल मारवा ऑप्शन सी. सत्यम ऑप्शन सी. ओके लेट मी डू दिस. यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. दीज आर योर डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. तो हमें साउथ दिया तो उसने क्या बोला? नॉर्थ वेस्ट. मतलब साउथ से आप कहाँ पे जाते हो? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में. तो कितने डिग्री मूव हुए बेसिकली? यहाँ से यहाँ गए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ठीक है. तो सिमिलरली जब आप नेक्स्ट क्या दिया है? वेस्ट. तो वेस्ट से भी आप सेम करोगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ठीक है. तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कैसे होगा ये? यहाँ से ये 90 डिग्री पे आप नॉर्थ पे आओगे, देन 45 डिग्री पे आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे. ओके सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट. ओके साउथ से आप नॉर्थ वेस्ट कैसे पहुँचते हो? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से. सिमिलरली आप वेस्ट से जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाओगे यू विल रीच टू नॉर्थ ईस्ट. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 14. आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. अनिरुद्ध आचार्य सी मैम, ऋषभ चैटर्जी सी, सैम एम 13 का सी, अंकित यादव सी, विनीत वाडी ऑप्शन सी, प्रणव डोंगरे ऑप्शन सी.
अक्षय कुमार ऑप्शन सी, ओके प्रणव डोंगरे ऑप्शन सी, ऋषभ चैटर्जी ऑप्शन सी, सत्यम ऑप्शन बी, ओके सुरभि सजवान ऑप्शन सी, ओके यस सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेस रेस से क्या क्या हो हो जाती जाती है है? आपकी फैटिक, व्हेन यू रन रन इन इन रेस रेस यू यू गेट गेट फैटिक, फैटिक, आप थक आप थक जाते जाते हैं, हैं, यू यू गेट गेट टायर्ड, टायर्ड, ओके व्हेन यू रन रन अ अ रेस। रेस। सिमिलरली व्हेन यू डू फास्टिंग, फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स व्रत, नो इट इज नॉट दैट फास्ट फास्ट स्लो वाला फास्ट, इट इज इज व्रत, व्रत। व्हेन यू डू फास्टिंग यू गेट हंग्री, सो हंगर हंगर विल विल बी बी योर करेक्ट आंसर, ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंकित यादव सिंह ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन बी बी। इज रॉन्ग। अंकित फास्ट फास्ट से से लेजी कैसे हो जाओगे, फास्ट, अगर आप स्लो फास्ट कर रहे हो तो ये ऑपोजिट हो गया। इट इज अ मतलब इट इज अ कॉज एंड रिजल्ट, जब आप कॉज एंड रिजल्ट वाला रिलेशन है, रेस के कारण क्या होता है, फैटीग में आप फैटीग हो जाते हो, सिमिलरली जब आप फास्ट रखते हो तो आप हंगरी हो जाते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सैम ऑप्शन सी, विनीत वाड़ी ऑप्शन हंगर, ओके ऋषभ चैटर्जी 15th का सी, ओके सुरभि साजवान ऑप्शन सी, अंकित यादव ऑप्शन सी, जितेश डिस्ट्रक्शन सत्यम सी, यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, या विनीत वाड़ी वाड़ी सी, सी प्रणव डोंगरे सी। पीस होती है जहां पे, वहां पे क्या कर दिया आपने, चाउल्स, दैट मीन ऑपोजिट रिलेशन हो गया। चाउल्स इज व्हाट, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, चाउल्स। डिसऑर्डर मीन्स मतलब पीसफुल चीज पे, जहाँ जहाँ पे कोई भी चीज आपने हल्ला गुल्ला मतलब उसको ऑपोजिट कर दिया, पीस थी शांति, चाओस यानी कि डिसऑर्डर कर दिया, वहां पे सब चीजें आपने उथल पुथल कर दी, दैट इज योर ऑपोजिट। तो सिमिलरली क्रिएशन यानी कि बनाना, बनाना का ऑपोजिट व्हाट विल बी, दिस डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग समथिंग एंड डिस्ट्रॉइंग समथिंग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पे क्या था, ऑपोजिट ऑपोजिट। रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सोनल मारवा ऑप्शन सी, आदर्श गुप्ता ऑप्शन सी, यस करेक्ट। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 16, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइगर जो है फॉरेस्ट में रहता है, सिमिलरली ऑटर कहाँ पे रहता है, ये क्या क्या है, इनके हैबिटेट्स हैं, यहाँ पे हैबिटेट और एनिमल का रिलेशन है कि टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, देन ऑटर लिव्स इन व्हाट, केज, स्काई, नेस्ट और वाटर, ओके ओके सोनल मारवा ऑप्शन सी, ठीक है। सो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, ऑटर लिव्स इन वाटर, ऑटर इज व्हाट, ये एक एनिमल होता है वाटर का, विच इज इट्स हिंदी मीनिंग इज उदबिलाव, बट वट आई हैव सीन इट लुक लाइक अ माउस, वाटर का जो माउस होता है माउस की तरह दिखता है, बट इट इज बिग इन साइज, बट इट लुक लाइक्स अ माउस, ओके सो ऑटर लिव्स अंडर वाटर एंड टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, यस ऋषभ इज राइट ऑप्शन डी, जितेश इज ऑल्सो राइट वाटर, अक्षय कुमार ऑप्शन सी, सत्यम ऑप्शन बी, प्रणव डोंगरे ऑप्शन डी, यस यू आर करेक्ट प्रणव, जितेश वाटर, ओके नेक्स्ट। अक्षय कुमार ऑप्शन डी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोल्स मैग्नेट देन बैटरी इज रिलेटेड टू व्हाट, पोल्स में मैग्नेट में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, जो आपकी मैग्नेट होती है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। सिमिलरली एक बैटरी होती है उसमें क्या होते हैं, टर्मिनल्स, प्लस और माइनस, तो बैटरी में क्या होंगे आपके टर्मिनल्स, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, पोल्स मैग्नेट में होते हैं, बैटरी में टर्मिनल्स होते हैं, प्लस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, यस
जितेश इज करेक्ट 17th का सी, ऋषभ इज ऑल्सो करेक्ट 17th का सी, सुरभि 17th सी, विनीत वाड़ी सी, यू ऑल आर करेक्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, कैसक इज रिलेटेड टू प्रीस्ट, सिमिलरली ग्रेजुएट इज रिलेटेड टू व्हाट? आई एम इंक्रीजिंग माय स्पीड अ बिट बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। अक्षय कुमार ऑप्शन ऑप्शन ए। ओके ऑप्शन ए फॉर विच आंसर, विच क्वेश्चन? ऑप्शन ए। ओके प्रणव डोंगरे ऑप्शन सी, सत्यम ऑप्शन 17th का ए। ए इज गलत, बैटरी के सेल्स नहीं होते, बैटरी में क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, मैग्नेट में जैसे पोल्स होते हैं। आदर्श गुप्ता टर्मिनल, यस करेक्ट। अंकित यादव ऑप्शन सी। ओके कैसक इज व्हाट? कैसक इज द गाउन, व्हाइट कलर का जो गाउन होता है या फिर ब्लैक भी पहनते हैं। प्रीस्ट कौन होता है? जो चर्च में रहते हैं, जो पादरी होते हैं चर्च के, दे आर कॉल्ड प्रीस्ट। एंड द प्रीस्ट द ड्रेस, द काइंड ऑफ ड्रेस द प्रीस्ट वियर्स इज कॉल्ड कैसॉक। जो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का एक बहुत लंबा वाला गाउन होता है, और ब्लैक भी पहनते हैं, जो नंस वगैरह होती है वो ब्लैक भी पहनती है और प्रीस्ट भी पहनता है, तो उस ड्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैसॉक। सिमिलरली जब आप ग्रेजुएट होते हो, जब आप डिग्री लेना चाहते हो अपनी कॉलेज की, तो व्हाट यू वियर, अ गाउन, अ ब्लैक कलर का गाउन, ठीक है। तो जब ग्रेजुएशन पे हम लोग क्या पहनते हैं, गाउन। सिमिलरली जो प्रीस्ट होता है वो क्या पहनता है, कैसॉक, उसके ड्रेस को बोलते हैं कैसॉक। यस 18th का सी गलत, जितेश सी रॉन्ग, सुरभि सांजवान सी, जोनी ब्लेस सी, ऑल ऑफ यू गाइज आर रॉन्ग दिस टाइम। ओके क्वेश्चन नंबर 19। जितेश ऑप्शन 18th का सी, नो। अंकित यादव यादव ऑप्शन सी। ऋषभ चैटर्जी 19th का सी, यस करेक्ट। आइस, आइस इज, आइस कैसी होती है, कोल्ड होती है। आइस इज, कोल्डनेस इज रिलेटेड टू आइस। सो अर्थ के, अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेविटिज्म। मतलब आइस आइस की की कोल्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वो कोल्ड होती होती है, दैट है, इज वन वन ऑफ ऑफ इट्स इट्स प्रॉपर्टी, नॉट ऑल द प्रॉपर्टी। आइस की और भी प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड होती है, इट इज कोल्ड, और भी प्रॉपर्टीज हैं। सो अर्थ की वन ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या है कि ग्रेविटिज्म, जो ग्रेविटिज्म है वो कहाँ पे होता है, ग्रेविटेशन फोर्स वो होता है आपके अर्थ के ऊपर। तो अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेविटिज्म। आइस की प्रॉपर्टी क्या है, कोल्डनेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। या मोस्टली स्मर्फ ऑप्शन ए, नो यू आर रॉन्ग। आदर्श गुप्ता ग्रेविटिज्म करेक्ट। जोनी ब्लेज ऑप्शन सी करेक्ट। आदित्य सिंह ऑप्शन ए रॉन्ग। विनीत वाड़ी ऑप्शन सी करेक्ट। ओके गाइज डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित यादव ऑप्शन सी, सैम ऑप्शन सी। ऋषभ चैटर्जी 20th का बी। ओके जितेश जजमेंट, सुरभि 20th का बी, जितेश 20th का बी, आदित्य सिंह ऑप्शन बी। ओके एवरीवन इज फॉर ऑप्शन बी। प्रणव डोंगरे ऑप्शन बी, जोनी, जोनी ब्लेज फिजिशियन ऑप्शन बी, सत्यम बी। यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिजिशियन क्या करता है, फिजिशियन डूज योर ट्रीटमेंट, सिमिलरली जज गिव्स यू जजमेंट। व्हाट इज देयर प्रोफेशन और व्हाट इज देयर वर्क, फिजिशियन का काम होता है ट्रीटमेंट करना, सिमिलरली जज का काम होता है जजमेंट देना। ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। या आदर्श गुप्ता जजमेंट, यू आर करेक्ट। विनीत वाडी इज ऑल्सो करेक्ट। सैम इज करेक्ट, जजमेंट। नेक्स्ट 21, सोनल सोनल मारवा मारवा ऑप्शन बी, या यू आर करेक्ट।
मोस्टली स्मॉक जजमेंट. या करेक्ट. अंकित यादव ऑप्शन बी करेक्ट. सुरभि साजवान 21 का सी. ओके. जितेश सी. आदित्य सिंह ऑप्शन सी. प्रणव डोंगरे ऑप्शन सी. विश्व चैटर्जी ऑप्शन सी. यस करेक्ट. ग्लोव यू वियर ग्लोव्स इन योर हैंड्स, सिमिलरली यू वियर सॉक्स ऑन योर फीट्स. ओके. तो ग्लोव्स को आप हैंड में वियर करते हो, सिमिलरली यू वियर सॉक्स ऑन योर फीट. ठीक है. बाकी टाई एंड शर्ट, नेक एंड कॉलर, कॉट एंड पॉकेट, दीज आर नॉट द सेम रिलेशन एज ग्लोव एंड हैंड आर हैविंग. सो सिमिलरली हैंड हैंड पे क्या पहनते हैं? ग्लोव एंड सॉक्स कवर योर फीट. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. या सोनल मारवा ऑप्शन सी. कृष्ण कुमार ऑप्शन सी. जोनी जोनी ब्लेज ऑप्शन सी. सैम एक्सेप्ट. डी ऑल आर राइट मैम. नो ऑल आर नॉट राइट. डी इज रॉन्ग. टाई एंड शर्ट आर ऑल्सो रॉन्ग. टाई एंड शर्ट आर पार्ट ऑफ योर क्लोदिंग. टाई एंड योर शर्ट दे आर पार्ट ऑफ योर क्लोदिंग. दे यू डू नॉट वियर टाई ऑन योर शर्ट. यू वियर टाई ऑन योर नेक. ओके. नॉट ऑन योर शर्ट. शर्ट इज अ क्लोथ. टाई इज ऑल्सो अ क्लोथ. हेयर इट इज अ रिलेशन वॉज बिटवीन एन ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड द क्लोथ. ओके. सो ऑल आर नॉट सेम. सैम अंकित यादव 21 का सी. सुरभि सांजवान 22 का ए. ओके. जितेश 22 का ए. ऋषभ चैटर्जी 22 का ए. यस. 22 का ए इज करेक्ट. लाइवली एंड डल, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है. लाइवली होता है बहुत ज्यादा उत्साहित, वेरी एक्साइटेड पर्सन. एंड डल इज वेरी बोरिंग, वेरी लो ऑफ एनर्जी काइंड ऑफ अ पर्सन. तो सिमिलरली एम्प्लॉयड एंड जॉबलेस आर ऑपोजिट. एम्प्लॉयड इज अ पर्सन हु इज हैविंग अ जॉब एंड जॉबलेस इज जॉबलेस. ठीक है. सिमिलरली फ्लावर में बर्ड होता है, दिस इज नॉट रिलेटेड द सेम. फैक्ट्री में लेबर नो नो. हैप्पी एंड गे, गे गे का जो अदर मीनिंग होता है दैट इज ऑल्सो हैप्पी. मतलब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गे. ठीक है. तो ये अर्लियर पहले मीनिंग होता था. तो ये दीज आर सिनोनिम्स, बट वी वॉन्ट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स कौन सा है? ऑप्शन ए एम्प्लॉयड एंड जॉबलेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. डू द नेक्स्ट ऑप्शन डी. सैम ओके फाइन गॉट यू मैडम. ओके थैंक यू सैम. 22 का ए. या 22 का ए इज करेक्ट. ऋषभ चैटर्जी 23 का ऑप्शन डी. सुरभि सांजवान 23 का बी. आदित्य संघ 23 का बी. जितेश 23 बी. सत्यम बी. जितेश बी. ओके एक्सेप्ट वन. एवरीवन इज फॉर ऑप्शन बी. ओके. ऋषभ चैटर्जी इज फॉर ऑप्शन डी. वाई? ओके. नाउ ही इज करेक्टेड हिमसेल्फ. 23 का बी. ओके. प्राउड ऑफ यू ऋषभ. ओके. साइलेंस एंड नॉइज आर ऑपोजिट. यू डू यू ब्रेक द साइलेंस इफ यू डू नॉइज. सिमिलरली
If you are bald and barn. hair are grown, then you are not bald Hardening. anymore. So these are opposite. Baldness is related to loss Loss of of hair, hair. मतलब No hair is called baldness. Similarly, hair. So these are opposite. Okay. Talk and whisper are not opposite. Whisper means फुसफुसाना. Baldness means गंजापन. Sing and dance are not antonyms. Quiet quiet and and peace are same, similar, synonyms. So option B is your correct answer. Sam 23rd का सी. या करेक्ट जितेश. ओके सैम सेड 23rd का सी. शशि. नो 23rd का सी. नो इट वाज ऑप्शन बी नॉट सी. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Okay, people are not giving answers for 24, so let me explain it to you. Okay, 24th का डी. ऋषभ चैटर्जी इज फॉर डी. सुरभि इज फॉर सी. ओके. न्यूमिस्मैटिस्ट इज समवन हु कलेक्ट कॉइन्स. समवन हु कलेक्ट कॉइन्स कॉइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस्ट. एंड फिलाटेलिस्ट इज समवन हु कलेक्ट स्टैम्प्स. स्टैम्प्स का जो कलेक्ट करता है जो पर्सन, दैट इज कॉल्ड फिलाटेलिस्ट. वी हैव मेरे डिफरेंट पे काइंड ऑफ पर्सन हु हैव हॉबी हॉब ऑफ कलेक्टिंग समथिंग. कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई मैप्स कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स. कार्टोग्राफर इज कार्टोग्राफर्स समवन हु मेक्स मैप. ही डज डज नॉट नॉट कलेक्ट मैप, ही मेक्स मैप. ओके, बट बट दीज दीज पीपल न्यूमिस्मैटिस्ट एंड फिलाटेलिस्ट कलेक्ट स्टैम्प्स. ज्वेलर ज्वेलर मेक मेक ज्वेलरी. ज्वेलरी ही डज नॉट कलेक्ट मेक ज्वेलरी. सिमिलरली सिमिलरली जेनेटिस्ट जेनेटिस्ट क्रोमोजोम्स. ही स्टडीज क्रोमोजोम्स. ही डज नॉट कलेक्ट कलेक्ट क्रोमोजोम्स. सिमिलरली सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट. जितेश ऑप्शन ऑप्शन ए. योर गेस वॉज रॉन्ग जितेश. फिला एंड ऑल्सो ऑल्सो द लिटरल मीनिंग ऑफ फिला वर्ड फिलो और फिला इज समथिंग हु लव्स. लव्स. ओके, तो इफ आई आई से से फिला फिला लेटेस्ट लेटेस्ट दैट दैट मीन्स मीन्स लवर लवर ऑफ ऑफ स्टैम्प्स. स्टेम्स. जो स्टैम्प्स को लव करता है यानी कि कलेक्ट करता है उनको, दैट इज कॉल्ड फिला लेटेस्ट. फिला का जो लिटरल मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड में, दैट इज मीन्स लव. वी वी हाँ हैव मैनी. अगर जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिख जाती है ये आधा वर्ड, दैट मीन्स लवर ऑफ समवन. एंड मीजो मीन्स मीन्स हेटर हेटर ऑफ ऑफ सम समवन. जो कोई कुछ भी भी चीज चीज़ को हेट करता है, दैट इज द उसके लिए आपके जो करता ये यूज़ होता है दैट इज है मीज मीजो. एंड एंड जो जो लवर लवर होता है उसके उसके लिए यूज लिए. होता है फिलो. ओके, लाइक वी हैव वन मोर वर्ड बिबिलोफाइल. सो बिबिलोफाइल इज बी. बिबिलो इज फॉर बुक्स बुक्स एंड फाइल फाइल मीन्स मीन्स लवर. लवर सो जो हु लव्स लव्स कलेक्टिंग कलेक्टिंग बुक्स और हु लव्स रीडिंग बुक्स इज कॉल्ड बिबिलोफाइल. बिब्लोफाइल एंड मीजोगैमिस्ट. मीजोगैमिस्ट गैमिस्ट. मीन्स मीजो सो मीन्स मीन्स हेटर एंड गैमिस्ट गैमिस्ट इज मैरिज. सो हु हेट्स हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मीजोगैमिस्ट. मीजोगैमिस्ट. सो मीजो इज दी रूट वर्ड. यू कैन गेस कि अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग भी ना पता हो, बट मीजो, इफ द रूट मीजो इज देयर दैट मीन्स हेट, एंड एंड इफ इफ द द रूट रूट फिलो फिलो इज इज देयर देयर दैट दैट मीन्स मीन्स. लव. ओके, नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25. ट्वेंटी फाइव. आंसर मी फॉर क्वेश्चन नंबर 25.
ओके 25th का डी, ओके सुरभि सांझवान 25 का डी, अंकित यादव डी, जितेश बी, जितेश 25 का बी, आदर्श गुप्ता बी, ओके सो वी हैव टू आंसर्स, ऑप्शन बी एंड डी. ओके लेट मी चेक, कैंडल कैंडल में में विक होता है, कैंडल के अंदर जो थ्रेड होता है दैट इज कॉल्ड विक, ठीक है. उस थ्रेड क्या है, उसका पार्ट ऑफ कैंडल है. कैंडल का एक पार्ट क्या होता है, थ्रेड, दूसरा पार्ट क्या होता है, वैक्स. तो वैक्स एंड विक से मिलके, विक्स विक से मिलके क्या बनती है आपकी, कैंडल. सो थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ कैंडल. सिमिलरली व्हील इज अ पार्ट ऑफ बाइसिकल. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइसिकल एंड व्हील. लाइट लाइट एंड एंड बेल कैन नॉट बी आंसर. लाइट डू, जो बल्ब है वो लाइट करता है, दैट इज इट्स वर्क, ठीक है, वो उसका काम है. बट कैंडल का कैंडल काम विक नहीं है, कैंडल विक उसका पार्ट है, और विक का काम कैंडल नहीं है. विक का काम है, कैंडल का का काम है काम लाइट देना, विक का काम नहीं है. सो इट इज नॉट रिलेटेड टू वर्क, इट इज रिलेटेड टू द पार्ट. सो कैंडल, विक इज अ पार्ट ऑफ कैंडल. सो सिमिलरली बाइसिकल इज अ पार्ट, व्हील इज अ पार्ट ऑफ बाइसिकल. सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. ऋषभ चैटर्जी चैटर्जी 25 का सी, नो सी इज ऑल्सो रॉन्ग. आदर्श गुप्ता ऑप्शन बी, जितेश बी, जितेश बी, सुरभि सांझवान, ओनली सुरभि वॉज करेक्ट, ऑप्शन डी. या दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. साउंड मफल्ड, साउंड और मफल्ड का मीनिंग क्या होता है, दबा हुआ या फिर दबते चले जाना, ठीक है, दबा हुआ. तो जब साउंड को आप जब दबाते हो दैट मीन्स वो क्या होगी, धीरे 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 खत्म हो जाएगी एंड देन जीरो हो जाएगी साउंड को जब आप दबाओगे. मतलब द प्रोसेस इज वॉट, कि आप साउंड को खत्म कर रहे हो. तो सिमिलरली मॉइस्चर, ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर होता है, ठीक है, कलर कलर फेड हो जाता है. तो कलर भी सिमिलरली धीरे धीरे क्या हो जाता है, फेड हो जाता है. मतलब अगर कलर अगर डिस्ट्रॉय या फिर फेड डिग्रेड होना, होना, डिग्रेड इज द राइट वर्ड, अगर कलर डिग्रेड होना स्टार्ट होगा इट विल गेट फेडेड. सिमिलरली जब साउंड डिग्रेड होगी या फिर खत्म होगी तो इट विल बी कॉल्ड मफल्ड, की दबती जा रही है, दबती जा रही है ना, इट विल गो जीरो. सो साउंड इज रिलेटेड टू मफल्ड, सिमिलरली कलर इज रिलेटेड टू फेडेड. ओके डेस्पेयर, डेस्पेयर एंगर, ऑर्डर, पंजेंट, दीज आर नॉट द सेम प्रॉपर्टीज विच साउंड एंड मफल्ड आर शोइंग. ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. जितेश ओके 25 का सी, सत्यम ऑप्शन बी, ऋषभ चैटर्जी 26 का बी, ओके जितेश बी 26 का बी, या करेक्ट. सुरभि सांझवान 26 का बी, करेक्ट. ऋषभ चैटर्जी 27 का डी, ओके सुरभि 27 का डी, जितेश 27 का डी, सैम 27 का डी, सत्यम डी, सोनल ऑप्शन डी, ओके एवरीवन इज फॉर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर, सिमिलरली कार्डियोग्राफ मेजर्स हार्ट रेट. कार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स हार्ट रेट, ओके, एंड थर्मामीटर इज ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट. मिलीमीटर स्केल, स्केल स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट, उसके ये उसके पैरामीटर्स हैं कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है लेंथ, ठीक है. लेंथ एंड ब्रेथ आर डिफरेंट एंड सोलर एनर्जी एंड सन ऑल्सो डिफरेंट. सो कार्डियोग्राफ, हार्ट रेट, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट. सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. यस आदर्श गुप्ता 27 का डी करेक्ट, जितेश ऑप्शन डी करेक्ट.